नानी बाप। मणि देखो बर्तन तो राशि कर लेगी, तुम जाओ और बाहर की साफ सफाई देख लो। किंजल तुम यहां चलो पकड़ो। मैं चाहती हूं कि आज मेहमानों के लिए हलवा तुम बनाओ। अरे ऐसे डर क्यों गई? मैंने तुम्हें सारी रसोई सिखाई है ना किंजल? अरे वाह, ये छोटी कागड़ी तो अपनी माता कागड़ी का सिखाया हुआ पाठ ही भूल गई। अब सबसे पहले होता है आटे का हलवा। हाँ माँ, आटे का शीरा याद आया। क्या है ना किंजल, शुभ कार्य हलवा से करना चाहिए। इस किंजल के हाथों कोई शुभ काम तो हो ही नहीं सकता। चल अब शुरू कर। क्या कर? जी क्या पता, आटे के हलवे में आटा होगा और क्या? क्या सोच रही हो? अरे इस कढ़ाई जल जाएगी, लो घी डालो पहले। हे भगवान, अरे संभाल के। अरे घी तो गरम होने दे। हे भगवान, शू थई गयू छे? तुम्हारा ध्यान कहाँ है किंजल? राशि ये सब बन जाए ना, उसके बाद तुम ये आटा जो गिरा है वो साफ कर देना। मैं नहीं चाहती हूं कि किंजल के ससुराल वाले हमारा रसोड़ा देखे इतना गंदा और कहे कि मोदी परिवार का रसोड़ा कितना गंदा है। जी काकी जी। अब खड़ी क्यों हो गई? चलो आटा डालो। जी माँ। हिलाओ इसे, जल न जा, संभाल कर सब बाहर गिर रहा है। अब सुनो, हलवा में जो जो भी सामग्री लगेगी उसे निकाल दो। फिर आंखें फाड़ कर देख रहे हो मुझे? हाँ छोकरी तो मारू नाक का पाउश है। अरे तुम्हें सब कुछ सिखा तुम भूल गई? हलवा में सबसे जरूरी क्या होता है? दूध के साथ साथ शक्कर और उसके साथ ये मेवे। सब कुछ भूल गई है ये छोकरी। इतना सब कुछ सिखाया शून्य। कान्हा जी, माझी ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो मैं नहीं कर पाई। मैं तो उनको जवाब देने की स्थिति में भी नहीं हूं। वैसे क्या मुझे माझी को बता देना चाहिए कि किंजल पेन मुझे पार्लर में मिली ही नहीं और मैं आटे का सीरा बना के गई है महारानी? अब कागड़ी चिल्ला चिल्ला के गाएगी कि ये सीरा किंजल ने बनाया है, किंजल ने बनाया है। अब उस किंजल की तो वाहवाही होगी और उसका फैलाया हुआ ये आटा शक्कर ये सब मुझे साफ करना पड़ेगा। मेरे मन में आ रहा है कि एक मुट्ठी नमक डाल दो उसमें, लेकिन नहीं, मम्मी तो ये चाहती है कि उस किंजल का रिश्ता तय हो जाए।
लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस माँ बेटी का, वरना मणि को तो हमेशा के लिए निकाल के इन सारे कामों पर मुझे लगा देंगी। मेरे मन में आ रहा है कि इस किंजल का राज पूरे खानदान के सामने खोल दूं। फिर कागड़ी उसका वो हाल करेगी कि किंजल मैडम तो इश्क के गलियों का रास्ता ही भूल जाएगी। किंजल चलो, हलवा तो जैसे तैसे बन गया, लेकिन ये क्या बात हुई? तुम्हारे सर पर खड़े रहकर मुझे पूरा काम पूरा करवाना पड़ा। अब आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलो गायत्री मंत्र सुना, स स्वर। लेकिन माँ ये क्यों? क्यों नहीं, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। अब मान लो केतकी बेन ने या रत्ना वहू ने तुमसे कहा कि कुछ गाकर सुना, तो क्या फिल्मी गाना गाओगी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे फिल्मी गाने। तुम मोदी परिवार की इकलौती बेटी हो, तुम्हारे संस्कार परवरिश दिखनी चाहिए। और वैसे भी गायत्री मंत्र तो तुम्हें मैंने सिखाया है ना, चल शुरू हो जा। ओम भूरा भूर भूरा ओम। किंचल ये क्या भूर भूर कर रही हो? हे गायत्री माता माफ कर जो, अरे मंत्र का उच्चारण इस तरह से किया जाता है? बचपन से लेकर मैंने तुम्हें अभी तक गायत्री मंत्र सिखाया है, यही गायत्री मंत्र सुनाकर तो तुम्हें सुलाया करती थी। क्या हुआ तुम्हें, याद नहीं है? भूल गई माँ। हे भगवान, आ छोकरी तो मेरा नाक कटवा देगी। अब तुम ही बताओ, मेहता परिवार आने वाला है, घर पर इतना सारा काम पड़ा है, मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाऊं या फिर खाने का टेबल सजाऊं? आप बोलो गोपी वो। माँ जी आप दूसरे काम देख लीजिए, और अगर आप कहे तो किंजल बेन को गायत्री मंत्र मैं सिखाऊं। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम ही इसे गायत्री मंत्र सिखा दो। सुनो किंजल, अपनी गोपी भाभी से गायत्री मंत्र ठीक ठीक सीख लेना, समझी गई? अने गोपी वो, किंजल को तैयार करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी माँ जी। चल मैं बाकी काम देखती हूँ। किंजल बेन, गायत्री मंत्र एक छोटा सा मंत्र है जिससे शक्ति मिलती है और मन की शांति भी मिलती है। इसे रोज सवेरे करने से और रात को सोने से पहले करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप एक बार करके देखेंगी? बातें तो ऐसे बना रही है ये गवार, जैसे न जाने कितनी पोतियां पढ़ डाली हैं। ये मुझे क्या सिखाएगी? किंजल बेन, ओम भूर भुवः स्वः, ओम भूर भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। गोपी क्या तुम भी किंजल बेन को गायत्री मंत्र सिखा के टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? वैसे भी ये मौका मंत्र मंत्र सिखाने का नहीं है,
और किंजल बेन तो इलेश भाई को अपने मन में बसाकर उन्हें पहले ही नजर में देख के गाने लगेंगी, वो जैसे फिल्मों में होता है वैसे। क्यों किंजल बेन? साथ